नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, मैं अक्सर धोखे से फिल्म बन जाने के बाद धोखे से फिल्म बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ लगातार वीडियोस पिछले कई सालों से बना रहा, तो ये चीज बहुत से लोगों को खटकती है, बहुत से लोगों को अखरती है। लगातार मुझे धमकियां मिलती हैं। अभी कल परसों मेरे पास एक फोन आता है। फोन पर भाई सबसे पहले मुझे गाली देता है, गाली देने के बाद मुझे धमकाता है कि तुम मैडम के बारे में अपशब्द बोलते हो। मैडम से उनका मतलब था राजस्थान के भरतपुर के कामा क्षेत्र से आने वाली शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान। उन्होंने कहा कि आप उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जाहिदा खान कौन है और उन्होंने मेरे पास फोन क्यों किया, मुझे धमकाने के लिए फोन किया। शुरुआत में उन्होंने मुझे गाली दी, पर मैं संयम के साथ जब उनसे बात करके कुछ बातचीत करने लगा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, आप वीडियो बनाते हैं, वो जो फ्रॉड होता है उसके साथ हम भी हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। फिर मैंने भाई से कहा कि जब आप मानते हैं कि गलत है तो फिर आप मुझे धमका क्यों रहे। तो भाई के कहने का मतलब ये था कि आप मैडम को गाली दे रहे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, जिस मैडम की वो बात कर रहे हैं, जाहिदा खान राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री वो हैं। अब मुझे एक बात बताइए, उनके क्षेत्र में साइबर अपराधी इतने बड़े स्तर पर पनप रहे हैं और मैडम के मुंह से एक शब्द ना निकले, और वो लोगों द्वारा चुनकर भेजी गई एक विधायक हैं, उनके बाद उनको शिक्षा राज्य मंत्री का दर्जा राजस्थान सरकार में उनको मिला है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, सिवाय धोखे से फिल्म बनाने वालों। उसमें भी बहुत से लोग पूरी कम्युनिटी को उसमें समझ लेते। मेरे भाई, जो कुछ भी मैं गुस्सा करता हूं, जो कुछ भी मैं बोलता हूं, वो सिर्फ उन अपराधियों के खिलाफ बोलता हूं जो ये कृत्य करते हैं। अगर आप उस श्रेणी में नहीं हैं, तो इसे आप अपने ऊपर जबरदस्ती लेकर जाएं, तो देखिए इसमें तो मैं भी आपसे कुछ नहीं कह सकता। वो आपकी समस्या है कि आप भी अपने आप को उसी श्रेणी में रखते हैं जिस श्रेणी में मैं धोखे से फिल्म बनाने वाले अपराधियों को रखता हूं। रही बात मैडम मंत्री मैडम की, तो मैंने मंत्री मैडम जी के बारे में कभी कोई अपशब्द नहीं कहा। हाँ, गुस्सा जरूर करता हूं, जो मेरा हक है। गुस्सा मैं इसलिए करता हूं कि मैडम की कभी किसी सभा में मैंने उनके मुंह से यह नहीं सुना कि आप लोग ये काम करना बंद कर दीजिए। मैंने धमकी देने वाले लोगों को भी यही कहा कि अगर आपने मैडम की किसी भी सभा में अगर ये सुना है जिसमें मैडम इन साइबर अपराधियों से अपील कर रही है या फिर इनको धमका रही है, मैडम है, मंत्री हैं, उनकी एक पावर है, लोग उनसे कनेक्ट हैं, ऐसा हो सकता है कि अगर वो कुछ बात कहें तो लोग ना सुने, और इसके बावजूद भी अगर मैडम इस पर कुछ नहीं बोलती है तो हम जैसे लोगों को बोलना पड़ता है। ठीक है, आप सलाह देते तो ठीक था, पर धमका रहे हैं तो कान खोल कर सुन लीजिए। आपसे पहले बहुत लोग आए, धमकाया, बहुत हमले मेरे ऊपर हुए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मजलूमों की आवाज उठा रहा हूं। भाई ने मेरे पास फोन किया एक मुस्लिम बनकर कि आप मुस्लिम लोगों को टारगेट करते हैं। मेरे भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जिन लोगों की मदद करता हूं उसमें 30-40% मेरे प्यारे मुस्लिम भाई ही हैं, जो मेवात के रहने वाले इन अपराधियों की वजह से इस चंगुल में फंसते हैं। तो इसे कम्युनल एंगल बिल्कुल ना दें, ये एक समस्या है पूरे देश को जो अंदर से खोखला कर रही है, और इसके जो अपराधियों के नाम जो निकलते हैं तो वो मेरी गलती नहीं है कि उन अपराधियों के 90% नाम जो निकलते हैं वो अब्दुल, जुबेर, साकिर, रहमान, रहमत, ये निकलते हैं, तो मेरी गलती थोड़ी ना यार। मैं तो जो आंकड़े पुलिस देती है वही पढ़ता हूं, अपनी तरफ से तो कुछ बोलता नहीं हूं मैं, तो इसमें मेरी गलती आप बता दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो कहिए आप मुझे। अगर कोई राकेश, राजेश, मतलब वो ये भी करते तो इनका भी नाम लेता हूं मैं, अगर पकड़े जाते हैं इस तरह के मामलों में,
क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो साइबर अपराधियों के लिए है, अपराध चाहे कोई भी करे, तो मैं मेरा जो फोकस है वो साइबर अपराधियों का। अब साइबर अपराध में जब ज्यादातर निकल ही तुम्हारे भाई रहे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं बताओ मुझे। और फिर भी मैं उनसे हमेशा यही, और जो मेरे जो फंसने वाले लोग हैं यानी जो मेरे व्यूअर हैं उसमें आधे से ज्यादा यही लोग हैं जो फंस रहे हैं, वो भी उसी अल्लाह की इबादत करते हैं जो साइबर अपराधी करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं साइबर अपराधियों से कि चाहे तुम कितनी भी नमाज पढ़ लो अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि अल्लाह के दरबार में अल्लाह के जो जगह है वहां सबसे पहले मजलूमों की सुनी जाती है, तो इसमें कौन सी गलत बात कह रहा हूं मैं? हमने कुरान पढ़ी है हिंदी में वर्जन में, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अल्लाह जो मजलूम होते हैं मजलूमों की आवाज अल्लाह तक सीधा अर्श को चीर के अल्लाह तक पहुंचती है, जो मजलूमों के दिल से आह निकलती है वो सीधा अर्श को चीर कर अल्लाह तक पहुंचती है। तो मैंने कौन सा गलत कहा? और क्यों हम मैडम से ये सवाल ना पूछें, चाहिदा खान मैडम से, कि मैडम आप जिस क्षेत्र में आती हैं वहां एक सभा करें और वहां लोगों को अवेयर करें, तो मैंने कौन सा गलत कह दिया ये बताओ? गुजरात के एक मंत्री का वीडियो मैंने अभी डाला है, उसमें आप देख सकते हैं वो मंत्री है गुजरात सरकार में, गृह मंत्री है, वो स्पष्ट अपनी सभा में कह रहा है कि इस तरह से कोई फोन आता है आपकी वीडियो बनाता है ब्लैकमेल करता है, डरने की जरूरत नहीं है ना समाज से ना किसी और से, पुलिस में कंप्लेन फाइल करें। अगर जाहिदा मैडम अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर ये बात कह दे तो कितने लोग अवेयर हो जाएंगे आप समझ लीजिए। जाहिदा मैडम सिर्फ अपनी सभा में ये कह दे कि जो भी इस तरह के साइबर अपराध में लिप्त हैं वो मुझसे किसी भी तरह की मदद की अपेक्षा ना रखे, उनको सीधा देश के संविधान के हिसाब से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी, तो इसमें कौन सी दिक्कत आ जाएगी? मैं गलत कहां हूं मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं किस जगह पे गलत हूं? अगर आप मैं गलत हूं तो बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा मैडम से। वैसे तो मैडम से, मैडम के लिए आज तक मैंने कोई अपशब्द कहा नहीं, क्योंकि देखिए वो मंत्री है हमारे राज्य की, शिक्षा राज्य मंत्री है, तो उनका एक अलग ओहदा है, हम उसका सम्मान करते हैं, हमेशा करते हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हर व्यक्ति हमारे लिए सम्मानित है, हम उनसे गुस्सा कर सकते हैं, वो एक नागरिक का अधिकार है, पर हम उनको अपशब्द नहीं बोल सकते कभी भी, और ना मैंने बोला। एक वीडियो मेरा दिखा दीजिए जिसमें मैडम के बारे में मैंने कुछ बोला हूं। जितनी वो आपकी मंत्री वो हमारी भी मंत्री, आप समझ लीजिए। पर मैडम की आड़ में जो तुम अपना काम छुपा रहे हो ना, और जो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, तो धमकी अपने पास रखे, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे देश के संविधान में, इस देश की कानून व्यवस्था में, इस देश की पूरी शासन प्रशासन में मेरी एक आस्था है और उसके हिसाब से मैं काम करता हूं। बहुत लोग फोन करते हैं धमकाने के लिए, आप लोगों की धमकी अगर इसलिए है कि मैं ये काम करना ही बंद कर दूं, तो माफ कीजिए मेरे भाई, नहीं करूंगा। मेरे इस देश का संविधान मुझे इजाजत देता है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें साफ लिखा है कि आप अपनी बात रख सकते हैं एक दायरे में, और मैं अपनी दायरा और अपनी सीमा कभी नहीं लांघता हूं, ये समझ लीजिए। ना मैं कोई फर्जी बयानबाजी करता हूं, ना गलत खबर पढ़ता हूं, जो सच है वही बताता हूं। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत सोच समझकर और जिम्मेदारी वाला होता है। मैं किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करता हूं कि मैंने ये बोला उसकी वजह, नहीं, मैंने जो बोला वो मेरे शब्द है, मेरी जिम्मेदारी पर है। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो आपको जो करना है वो कर लीजिए, पर मैडम की आड़ में धमकी मत दीजिए। मैडम एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके प्रति हमारे दिल में सम्मान है और वह हमेशा रहेगा, और हम नागरिक हैं, मैडम से हम सवाल पूछेंगे, ये ना मैडम को अखरता है ना ही किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए बाकी अन्य किसी इंसान को अखरेगा। आपको इसलिए अखर रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं आपके धंधे पर चोट कर रहा हूं, क्योंकि आपका धंधा गलत है इसलिए मैं चोट कर रहा हूं। जो करना आप कर सकते हैं, मेरे साथ मेरे विवर्ष की ताकत है, मेरे संविधान की ताकत है। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।